पूर्व सभापति पंचायत समिति रामटेक, इन्होंने सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री राजेश टोपे को एक पत्र लिखा, जिस पत्र में कन्हान पीएससी को रूपांतरण करने की बात थी। जिस पत्र पर आरोग्य सेवा आयुक्तालय मुंबई द्वारा उप संचालक आरोग्य सेवा नागपुर मंडल व जिला चिकित्सालय जिला रुग्णालय नागपुर उन्हें पत्र आया, जिसकी एक प्रतिलिपि उदय सिंह उर्फ गज्जू यादव को भी आई। हमारे संवाददाता वीर सिंह ने इस विषय पर उनसे फोन पर बात की। आइए जानते हैं कि आखिर मामला क्या है। सर, राजेश टोपे जी को आपने जो पत्र दिया था उसमें कन्हान पीएससी के बारे में शायद ऐसा कुछ जिक्र हुआ था, जिसको आपने रूपांतरण के लिए पत्र दिया था, तो उसके बारे में मैं जानना चाह रहा था कि वो कैसे क्या और कब से आप इसके पीछे लगे थे और अभी इसका क्या अपडेट है। तो 2019 से अपन उसका फॉलोअप कर रहे हैं जी, और 2013-14 में कन्हान ग्राम पंचायत से नगर परिषद बन गई जी। तो नगर परिषद क्षेत्र में लोगों को सुविधाएं मिलने के लिए जिला परिषद का जो पीएससी था उस समय का, उसका रूपांतरण ग्रामीण रुग्णालय बना के उसका अपग्रेडेशन हो जाना चाहिए था, यानी उसका दर्जा बढ़ाना चाहिए था। फिर वो जिला परिषद के क्षेत्र से, अधिकार क्षेत्र से हट जाएगा। हाँ, फिर वो दर्जा उसका, उसको स्टेटस स्टेट के अंदर में जाना चाहिए था, वो जिला परिषद के नियंत्रण से बाहर निकलना चाहिए था जी। अभी हमने उसका तब से उसका फॉलोअप की माननीय पालक मंत्री नितिन राउत साहब और माननीय आरोग्य मंत्री राजेश टोपे जी, जी इनके माध्यम से उसका मैंने प्रयत्न किया उसका दर्जा बढ़ाने का कन्हान नगर परिषद के, और उसको ग्रामीण रुग्णालय का दर्जा देने का। पिछले कोविड में भी पालक मंत्री महोदय ने वहाँ पे विजिट किए थे जी, और एक एम्बुलेंस दिए थे वहाँ पे। ओके, अभी उसका प्रपोजल पिछले बार उसका प्रपोजल गया था, मगर उसमें कुछ खामियां रह गई थी, तो खामियां की पूर्तता करके फिर से प्रस्ताव भेजो करके जी उप संचालक आरोग्य की तरफ से मुंबई से पत्र आया था। ये कब आया था? वो मेरे ख्याल से साल भर पहले के आसपास आया था, 6 महीने पहले जी। मगर एक ऐसा है जो सिविल सर्जन नागपुर का जो ऑफिस है, ये काफी आलसी ऑफिस है जी। तो और कुछ डॉक्यूमेंट उनको जिला परिषद से भी लगेंगे, क्योंकि वो दवाखाना अभी जिला परिषद के नियंत्रण में है जी। तो वो सिविल सर्जन के ऑफिस से वो प्रपोजल गया नहीं बराबर, इसलिए वो अभी फिर अनकम्प्लीट चीजें पूरी करके फिर से वो प्रपोजल कम्प्लीट प्रपोजल बना के मंत्रालय भेजेंगे जी, उप संचालक के माध्यम से, नागपुर उप संचालक आरोग्य विभाग के दवाखाने को अपग्रेड करने के लिए। अभी तो वो पीएससी है ना, छोटी सी भैया जी, बाद में क्या होगा, वो दवाखाना अपग्रेड हो जाएगा, स्टेट के अंदर में आ जाएगा, वहाँ कर्मचारी बढ़ जाएंगे, सुविधाएं बढ़ जाएंगी, डॉक्टर बढ़ जाएंगे जी, ऐसा रहेगा, और जिला परिषद के नियंत्रण से वो निकल जाएगा जी। और वहाँ अच्छी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, और बड़ी बिल्डिंग वहाँ बना सकते हैं अपन, बेड बढ़ जाएंगे, और भी ज्यादा की सुविधाएं मिलती, जिला परिषद में एक लिमिटेड सुविधाएं रहती है, उसके ऊपर की नहीं होती जी। हाँ, इसके अंदर में आ जाएगा तो लोगों को ज्यादा की सुविधाएं वहाँ मिलेंगी जी जी जी। ओके ओके ओके, दोस्तों एमपी बॉर्डर से लेकर नागपुर के बीच एक भी बड़ा चिकित्सालय नहीं है। अगर किसी को जरूरत हो तो लगभग 80 से 90 किलोमीटर दूर नागपुर ही आना होता है, और यदि कन्हान में सरकारी हॉस्पिटल का रूपांतरण होता है तो इससे न केवल कन्हान बल्कि रामटेक विधानसभा में मध्य प्रदेश के बॉर्डर तक के लोगों को सुविधा मिल सकेगी।